दाखिलों के सीजन में धारा 134 को लेकर स्कूलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जहां शिक्षा विभाग ने अब बिना परीक्षा पास किए अपने स्कूलों में दाखिला देने से मनाही कर दी है। वहीं बच्चों के अभिभावक इसे ज्यादती बता रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान अभिभावक दाखिला न मिलने से अब स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं स्कूल बिना पात्र को दाखिले से साफ इनकार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार धारा 134 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला देने के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन पात्र परीक्षा के नाम पर स्कूल संचालक छोटे छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान करने में लगे हुए हैं। देखा जाए तो बच्चों के अभिभावक कभी स्कूल तो कभी खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल संचालक शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जानबूझकर उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे, जिससे बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। एक समाजसेवी संस्था का कहना है कि वे शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार धारा 134 में दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावकों की मदद के लिए स्कूल संचालकों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनके सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं संस्था का कहना है कि परीक्षा देने के बावजूद इसका रिजल्ट देने में भी स्कूल संचालक जानबूझकर देरी कर रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कई स्कूलों ने तो अपने गेट के बाहर दाखिला बंद होने के बोर्ड भी टांग दिए हैं, तो इससे दाखिला पाने वाले बच्चों का क्या होगा। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिक्षा विभाग और सरकार के बच्चों के दाखिले को लेकर स्पष्ट निर्देश है कि दाखिले से पहले प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल बच्चे का पात्रता टेस्ट लें और टेस्ट में पास होने वाले बच्चे को ही दाखिला दिया जाए। बाला से जार टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं बेटी जैन स्कूल के अंदर 12वीं क्लास के अंदर चढ़ी है। ये जिला शिक्षा अधिकारी वाले बोलते हैं कि जैन क्लास के अंदर हम नहीं देंगे 12वीं का, हम और जो स्कूल है ना उसके अंदर दाखिला देंगे। किस चीज में दाखिला चाहते हैं आप? उसके अंदर नॉन मेडिकल के अंदर पढ़ रही है वो, 134 के अंदर। क्या कहा आपको स्कूल वालों ने? स्कूल वाले कहते हैं कि आप वहाँ से 134 फॉर्म लो और भर करके वहाँ पर देकर के आओ। हमने एप्लीकेशन भी दिए, ADC ऑफिस के लेटर भी दिए, फीस हमारी माफ नहीं करते बच्चे की। ये बोलते हैं कि हम अपने जो हमारे 5-6 स्कूल लिखे हुए हैं ना, हम उसके अंदर दाखिला देंगे, मगर जैन स्कूल के अंदर नहीं दाखिला देंगे, वहाँ का नहीं हमारे पास। किस आधार पर आप एडमिशन मांग रहे थे बच्ची? आप लोगों की पारिवारिक स्थिति क्या है? भाई पिताजी का उनका दिमागी परेशानी है, दिमाग से परेशान रहते हैं, आमदनी उनकी है नहीं, उसके कारण बच्चा, एक ही लड़की है उसकी, उसके कारण उसका मैं करवा रहा था। SD विद्या में नाम उनका डालना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, तो उन्होंने कुछ एक इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया था, तो मैं भी तहसीलदार में दे के आया हूँ मैं, वो कह रहे सोमवार को मिलेगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि सर मेरा नाम उसमें 134 में आया जाए और जिस स्कूल में हमारे को बेनिफिट मिले उस स्कूल में मेरा नाम दिया जाएगा। जिला से तो ये तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हाँ आप चले जाओ तो वहाँ हो जाएगा जी, इनके कहने पर वहाँ चले जाते हैं, वो कुछ और फॉर्मेलिटीज बताते हैं, उनके कहने पर भी स्कूल वालों को कहने पर फॉर्मेलिटीज देते हैं, पर फिर भी वो एडमिशन लेते नहीं है जी हमारा। कृपा करके हमारा आपके यही गुजारिश है कि वहाँ पे जो भी स्कूल में आता है नाम वगैरह उसमें एडमिशन दिया जाए हमारे को। मैं अमर आर्य, अपना मुद्दा संघर्ष समिति अम्बाला कैंट से। हम लोग अब की बार 134A को लेके अम्बाला के सभी MC और जिन लोगों ने MC का इलेक्शन लड़ा था उन सभी को एक लेटर जारी कर रहे हैं, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 134A के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा ले सकें।